एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी पर्सनल डॉक्टर और आज की वीडियो का टॉपिक है, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे, आज मैं आपको बताऊंगी कि कुंवारी लड़की के हाइमेन के बारे में, जिसे आम लैंग्वेज में सील भी कहते हैं, कैसे इसे ब्रेक करना चाहिए या कैसे ये ब्रेक होती है। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाइमन क्या होती है। वजाइना के अंदर लगभग 2 इंच का एक टिश्यू होता है, जिसे हाइमन बोलते हैं। इसी को आम भाषा में सील कहते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूँ कि अगर किसी महिला की हाइमन टूटी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने पहले किसी के साथ सेक्स किया हुआ है। ये एक पूरी तरह से गलत माइंडसेट हमने बना रखा है। कई बार हाइमन अपने आप भी ब्रेक हो जाती है और इसके कई सारे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। जैसे वो लड़कियां जो साइकिलिंग करती हैं या जॉगिंग करती हैं या फिर जिम करती हैं, ऐसे केसेस में भी उन महिलाओं का हाइमन अपने आप ही ब्रेक हो जाता है। और इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं होता कि उन्होंने पहले किसी के साथ सेक्स किया हुआ है। हाइमन क्या होती है ये अभी मैंने आपको बताया। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि पहली बार किसी लड़की की हाइमन आपको कैसे ब्रेक करनी चाहिए। दोस्तों, जब किसी लड़की की हाइमन पहली बार टूटती है तो उसको बहुत पेन होता है और थोड़ा बहुत ब्लड भी आता है। जब भी आप किसी कुंवारी लड़की के साथ सेक्स करें तो पहले अपने पेनिस पर कोई भी अच्छी क्वालिटी का लुब्रिकेंट या ऑयल ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि किसी भी कुंवारी लड़की के साथ फर्स्ट टाइम सेक्स थोड़ा पेनफुल होता है। और लुब्रिकेंट के इस्तेमाल करने से आपको आपके पार्टनर को पेनिट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद धीरे धीरे अपने पेनिस को अंदर करें। अगर किसी वजह से लड़की की हाइमन टूटी नहीं होगी तो उसको थोड़ा बहुत दर्द होगा, लेकिन आपको पेनिट्रेशन बहुत ही धीरे धीरे करना है। ज़्यादा फास्ट पेनिट्रेशन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे आपके पार्टनर को काफ़ी पेन हो सकता है। जब आप सेक्स करोगे और सील टूट जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाइमन टूटने के बाद हल्का सा ब्लड आ जाता है। तो इस तरह से कुंवारी लड़की की हाइमन ब्रेक होती है। तो ध्यान रखें, जब भी आप अपने पार्टनर के साथ पहली बार सेक्स करने जा रहे हो तो अपने पेनिस पर लुब्रिकेंट या ऑयल ज़रूर यूज़ करना है और पेनिट्रेशन धीरे धीरे से करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारी डॉक्टर्स की टीम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।